हेलो, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई रवि। दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं बताने वाला हूँ, दोस्तों बहुत सारे लोगों के मेरे को कमेंट रहते हैं और इंस्टाग्राम में मैसेज भी रहते हैं कि भाई जो कुवैत का इंटरनेट है वो कितना मिलता है और कितना जीबी रहता है और कितने रुपए का होता है। तो दोस्तों, इस बारे में आज पूरी वीडियो बताऊँगा, बिना स्किप किए वीडियो को फर्स्ट से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन ऑल का बटन जरूर दबा दें, उससे मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो कोई से आएगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो मेरे को कमेंट, और आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आप मेरे स्क्रीन में देख रहे हैं, आप मेरे को DM करके कुछ भी पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, बात करते हैं कुवैत के इंटरनेट की। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, इंडिया में जो सिम कार्ड चलते हैं, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो, और इनमें आपको पता है अनलिमिटेड एक एक महीने का मिलता है कि 200-300 रुपये में। तो दोस्तों, ऐसा कुवैत में बिल्कुल भी नहीं है। कुवैत में चलता है ओरिडो, वीवा और जैन, तीन ये कंपनी हैं, और कम से कोई भी सिम में आपको महीने का 1200 रुपये कम से कम का इंटरनेट डालना ही पड़ता है। इंटरनेट कुवैत में बहुत ज़्यादा महंगा है, ये मान के चलो कि 1200, इंडिया के 1200 रुपये, यहाँ के मतलब 5 KD। तो दोस्तों, कुवैत में कम से कम आपको 5 KD का डालना पड़ता है नेट पूरे महीने के लिए। तो दोस्तों, 5 KD का मतलब ये मान के चलो कि 1250 रुपये हो जाता है इंडिया का, क्योंकि आज का जो रेट चल रहा है 250 चल रहा है, इंटू 5 करोगे तो आपको 1250 रुपया पूरा का पूरा 1250 रुपया एक महीना। लेकिन दोस्तों, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन, जैसे इंडिया में 1.5 GB एक दिन के लिए मिलती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको 500 GB इंटरनेट मिलता है एक महीने के लिए, और 500 लोकल मिनट मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, मेरा लैपटॉप में चलता है, फ़ोन पे चलता है, कभी हम नेटफ्लिक्स TV में देख ले तब जाके भी मेरा 40 ज़्यादा ज़्यादा 60 GB महीने में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इतना टाइम हमको यहाँ पर मिलता नहीं है नौकरी के लिए, साथ में नौकरी भी है। तो जैसे आप इंडिया में आपको 1.5 GB मिलता है, 1.5 GB के बाद आपको ख़त्म हो जाता है, दूसरे दिन का वेट करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको 500 GB मिल जाता है, 500 लोकल मिनट मिलते हैं, और लोकल मिनट में दोस्तों हमको बहुत कम ही 10-15 मिनट, हम किसी पूरे 500 में से ज़्यादा ज़्यादा 50 मिनट हम ख़त्म कर पाते हैं, क्योंकि हम जिसको भी कॉल करते हैं वो इंटरनेट के द्वारा कॉल करते हैं, तो वो भी इनफ होता है। और दोस्तों, सिम लेने की बात मैं बता दूँ, सिम लेने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको कम से कम 6-7 KD खर्च करना पड़ता है। पहली बार जब हम सिम लेते हैं, 6 KD या 7 KD में सिम आती है, कोई 6 में दे देता है, कोई 7 KD में दे देता है, तो ये मान के चलो कि 1400-1500 रुपये से भी ऊपर की सिम पहली बार लेनी पड़ती है। लेकिन अगर जब 1400-1500 की सिम लेते हैं तो उसमें भी आपको एक महीने का इंटरनेट फ्री मिलता है, उसके बाद एवरी मंथ आपको 5 KD 5 KD का रिचार्ज करना पड़ता है। ये है दोस्तों कुवैत का इंटरनेट, इंडिया के मुकाबले देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा है, और यहाँ पर 4G 5G चलता है, दोनों यहाँ पे अच्छा चलता है, बहुत अच्छी स्पीड आती है। तो इंडिया के मुकाबले यहाँ पर इंटरनेट बहुत ज़्यादा महंगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर मोर वीडियो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।